Hello, good morning everyone. I am your teacher, Ms. Sheila Chatterjee. Today we will do exercise of chapter number 5 in reader book. Okay, first of all we will discuss questions, then we will fill exercise in our book. So, are you ready? Let's start the class. So, today we will do exercise of chapter number 5, The Lost Chicken. Here is exercise, page number 46.

वो बड़ी बड़ा है ही इज़ क्विक वो जल्दी जल्दी सारे काम करता है ही वॉन्ट्स टू गो एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड वो बाहर जाना चाहता है और बाहर की दुनिया देखना चाहता है यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर वाई द स्माइली लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड उसे बाहर की दुनिया क्यों पसंद है द एयर इज डर्टी बाहर की हवा गंदी है देयर आर मैनी पीपल बाहर बहुत सारे लोग हैं द एयर इज सो फ्रेश एंड देयर इज सो मच टू सी बाहर की एयर बहुत फ्रेश है हवा बहुत ताजी है और बाहर बहुत खुश है देखने के लिए येस दिस ऑप्शन इज करेक्ट हु कैरी स्माइली एट होम स्माइली को घर कौन लाया अमाउस अ मैन मदर हैंड अ होर्स

चिकन्स थ्री चिकन्स द थ्री चिकन्स स्लीप डैश हर डैश कहाँ सोते हैं तीनों चिकन्स अंडर नीचे हर उनके विंग्स यानी पंखों के सो मम्मा के पंखों के नीचे सोते हैं ना कब एट वॉट टाइम एट नाइट क्योंकि दिन में तो क्या करते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं दे डैश इन द डैश ड्यूरिंग द डे दे होप यानी इधर उधर जम करना दे होप इन द कहाँ करते हैं हॉप इन द गार्डन ड्यूरिंग द डैश ड्यूरिंग द डे डे में यानी दिन में तो वो इधर उधर घूमते हैं जम करते हैं और रात को मामा के विंग के नीचे सो जाते हैं नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर्टी सेवेन सी थिंक एंड आंसर मैच द नेम ऑफ इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मतलब इन नेम के साथ किसके साथ ही इनका डिस्क्रिप्शन मैच होता है यू हैव टू मैच दैट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर सो इट विल बी ईजी फॉर मैचिंग क्योंकि हम लाइन्स के साथ मैच नहीं करेंगे स्माइली स्वीटी माउस र्स मदर हैंड काइंड नोटी लविंग रूड ओबीडियट ओके दीज आर द ऑप्शन नंबर वन इज स्माइली स्माइली करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज नॉटी बिकॉज स्माइली कैसा है नोटी है स्वीटी स्वीट इज ओबीडियंट मामा की बात मानता है माउस माउस इज लिटिल रूड खाना नहीं दिया था ना होर्स काइंड बिकॉज होर्स सेज टू स्माइली दैट यू आर सो स्मॉल एंड डोंट वॉक ऑन द रोड अलोन सो दिस इज अ वेरी काइंड जेक्शर उसको बता रहा था आप छोटे आप घर घर जाओ आप सड़क पर अकेले मत जाओ मदर हैं लविंग मम्मा क्योंकि मम्मा ने गुस्सा नहीं किया और लास्ट में उसको प्यार किया राइट right? Now, next grammar topic in this chapter is conjunction. Conjunction means to connect something and and but. Read these sentences. The air is fresh, the air is clean. Now, let us put both sentences together. The air is fresh and clean. So, एंड इज कंजंक्शन यहाँ पे दो सेंटेंसेस को मर्श कर दिया है जोड़ दिया है बिकॉज पहले ये द एयर इज फ्रेश द एयर इज क्लीन दो सेंटेंसेज से नाओ हेयर दी दो सेंटेंसेज आर हेयर बट हेयर इज ओनली वन सेंटेंस कंजंक्शन ने एंड ने इन दोनों सेंटेंसेस को मर्श कर दिया है वी यूज एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेज नाव

Now full stop. Okay. So now this is a complete single sentence, or you can rewrite again the kites are light and BRIGHT, bright. Okay. Sentence number two Smiley is small, Smiley is white. So Smiley is small and white. Okay. स्माइली इज़ स्मॉल स्माइली छोटी छोटा है और वाइट है तो यहाँ पर हमें दो सेंटेंस थे स्माइली इज स्मॉल स्माइली छोटा है स्माइली इज़ व्हाइट स्माइली व्हाइट है यानी सफेद रंग का है नाओ नेक्स्ट सेंटेंस मदर हैं इज़ बिग मदर हैं इज फ्लपी सो मदर हैं इज बिग एंड फ्लफी एफ एल यू डबल एफ वाई यू नो वाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लफी गुदगुदी से कि उसके बहुत बहुत सारे ममा है बहुत सारे विंग्स हैं वो है ना बहुत सारे विंग्स हैं इसलिए वो थोड़ी सी फ्लफी है द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड द स्ट्रीट्स आर डर्टी द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड एंड डर्टी स्ट्रीट जो है सड़क जो है सारी गलियाँ जो है वो बहुत भीड़ भाड़ वाली है और गंदी है सो द आर सी आर ओ डब्ल्यू डी ई डी क्राउडेड एंड डर्टी ओके नाउ Come next. Now read these sentences. Smiley is scared. The man puts his hand gently on him. Now let, uh, let us put both sentences together. Smiley is scared. But the man puts his hand gently on him. But what is the meaning of but? लेकिन एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ एंड और जब हमने यहाँ पे सेंटेंसेज मार्च किए तो हमने यहाँ पे और आया लाइक स्माइली स्मॉल एंड वाइट स्माइली छोटा है और वाइट है मदर हैन इज़ बिग ममा हैन बड़ी है एंड फ्लफी और फ्लफी है सो एंड इज और बट इज़ लेकिन परंतु ठीक है हेयर वी यूज बट टू जॉइन द टू सेंटेंसेज बट इज़ ऑल्सो अ कंजंक्शन ठीक है जब हमें लेकिन वाला बताना होता है ना uh, मैंने लर्न तो किया लेकिन नोटबुक नहीं लाया है न आई लर्न आई लर्न ऑल द वर्क बट आई फॉगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक सो एंड एंड बट आर जॉइनिंग वर्ड्स दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन कंजंक्शन यूज बट टू ज्वाइन दीज पेयर ऑफ सेंटेंसेस नाउ वी विल ज्वाइन द दीज सन्टेंसेस फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल राजा कैन स्विम राजा कान साइकिल राजा कैन स्विम बट कॉन्ट साइकिल सो इंस्टेड ऑफ अगेन यूजिंग राजा हमने क्या किया बट लगा के दोनों सेंटेंसेस को जॉइन कर दिया मर्ज कर दिया नाउ अनिता लवस काइट She can't fly them. So Anita loves kite, but can't fly them. So Anita loves kite, but can't fly them. Full stop. Okay. Now, next, Nisha can see the tiger, she can't see the lion. Nisha can see the tiger, but can't see the lion. Nisha टाइगर तो देख सकती है बट उसे लाइन दिखाई नहीं दे रहा या वो लाइन दिखाई नहीं देख सकती नेहा डज नॉट नो हाउ टू तो स्विम शी इज लर्निंग इट ठीक है नेहा नेहा स्विमिंग करना नहीं जानती लेकिन वो सीख रही है सो so, नेहा डज नॉट हाउ टू स्विम बट शी इज लर्निंग ठीक है नेहा डज नॉट नो हाउ टू स्विम बट बट शी इज लर्निंग ओके इंस्टेड ऑफ इट वी कैन से बट शी इज लर्निंग वो सीख रही है Okay, so this exercise page you have to do in your book. Okay, we will meet in our next class and we will do our next topic from our reader book. Okay, bye. Take care, everyone. Enjoy your day.